हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल नॉन टेक टेक विद एसएन वाई में स्वागत है। मैं प्रेमवती यादव, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सेटिला निग्रिकेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब हम इसके हेडेक से स्टार्ट करते हैं। किस पर्सन में हेडेक कैसा देखने को मिलेगा? अगर इसका पर्सन, हमने पहले वीडियो में भी बात की थी, अगर ओवर ईटिंग हो जाए, फैटी डाइट ले ले, उससे इसमें हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है, आइसक्रीम खा ले, तो इसमें क्या है, इसका कॉज क्या है हेडेक होने का? ओवरलोडिंग द स्टमक, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया है, उसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, उसके बाद हमें हेडेक देखने को मिल सकता है। फैटी डाइट ले ले उसके बाद से, या तो झुकने से, झुकने से भी इसमें हमें हेडेक देखने को मिलेगा। और लोकेशन कैसी होगी हेडेक की? वन साइडेड हेडेक देखने को मिलेगा। और कहाँ पे? स्पेशली फोरहेड में, और ये जो हमारा टेम्पल एरिया होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। वन साइडेड हेडेक है फोरहेड एंड टेम्पल में, ठीक है। ब्रूस पेन देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा हैवी सा लगेगा उसको, सर ना बहुत ज़्यादा भारी सा लगेगा। स्पेशली कब लगेगा ऐसा? जब वो पर्सन झुकता है। हेडेक जो होगा एकिंग पेन देखने को मिलेगा, हेडेक के साथ हमें आई में बहुत ज़्यादा पेन होगा। और हेडेक जो होगा ना थ्रोबिंग टाइप का होगा, जैसा लगेगा कुछ पल्सेट हो रही है, जैसे हार्ट पंप करता है तो पल्सेटिंग फीलिंग होती है, वैसे पल्सेटिंग फीलिंग हमें हेडेक में देखने को मिलेगी। और उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेसिव और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कुछ दबाव बन रहा है, वैसा दर्द हमें देखने को मिलेगा हमारे टेम्पल्स में। वायलेंट पेन होगा, एक साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें पेन, ऐसा लगेगा कि कील से जो है ना मारा जा रहा हो, वैसा दर्द हमें देखने को मिलेगा। इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इसको याद रखिएगा, कील से मारा जा रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ जर्किंग एंड लैसरेटिंग हेडेक देखने को मिलेगा हमें। और इसके हेडेक में एग्रावेशन कैसे होगा? जब पर्सन झुकता है तब, लाइंग डाउन से, और एक्सपोजर टू कोल्ड से हमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा। और रिलीफ किससे हो रहा? अगर पर्सन जो है बैठ जाए मॉर्निंग के समय में, या तो प्रेस करे, जैसे ऐसे दबा के रखे, प्रेशर करे, तब हमें इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। अब हम आइज की बात करते हैं, तो ये आइज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम अधिकतर इसे भूल जाते हैं, स्टेफिसेग्रिया हमें स्टाई के लिए याद होती है, बट पल्सेटिला का भी स्टाई के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं आई से। तो आई में जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी, स्पेशली हमें लिड्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, ठीक है। प्रेशर लगेगा, ऐसा लगेगा कि आंखों में ना रेत है, जैसे सैंड है, वैसा लगेगा, उसकी वजह से प्रेशर जैसा लगेगा। कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उसके साथ रेडनेस हो जाएगी आई में, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ बर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिलेगा। और आई का जो मार्जिन होता है ना, आई लिड, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ आंसू आएंगे, लैक्रिमेशन होगा, और रात में ना ये चपक जाएंगी आंखें, नाइटली एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा हमें। और उसके साथ क्या है, स्टाई के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे मैंने बात किया था, अपर आई लिड में हमें स्टाई देखने को मिलेगा, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर किसी पर्सन को बार बार स्टाई की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फैटी फूड लेने के बाद, तब हम पल्सेटिला दे सकते हैं, बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ में क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर पहला वीडियो याद हो तो मैंने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है लेकिन इस पर्सन में थर्स्ट नहीं है, पूरा मुंह सूख रहा है लेकिन उसके बाद भी पानी पीना नहीं चाहता है, ठीक है। तो माउथ में क्या है, ड्राई है माउथ, उसके साथ थर्स्ट नहीं देखने को मिल रहा, और कॉन्स्टेंट ना थूकता रहेगा, और वो जो स्पिट करेगा कैसा होगा, फ्रोथी कॉटन लाइक म्यूकस होगा, जो निकाल रहा है वो थूक रहा है, उसमें क्या निकलेगा, फ्रोथी कॉटन लाइक म्यूकस देखने को मिलेगा हमें। और मॉर्निंग के समय में माउथ का टेस्ट बहुत बिटर होगा, बहुत अजीब होगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सलाइवेशन भी हमें देखने को मिलेगा, और जिस समय बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा उस समय माउथ में स्वीट टेस्ट देखने को मिलेगा हमें। और टंग की बात करते हैं, तो इसमें हमें लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलता है, वाइट येलो कोटेड टंग होता है, इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो चकते जैसे भी देखने को मिलेंगे, और इसके साथ जो है ना थर्स्ट नहीं देखने को मिलेगी। टंग्स जो होता है इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ज़्यादा लार्ज फील होता है। इजेस में ना बहुत ज़्यादा सोरनेस होती है, जैसे जल गया हो उसके बाद जो दर्द देखने को मिलता है, वैसा हमें इजेस में देखने को मिलता है टंग में। अब इसके टूथेक की बात करते हैं, टूथेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी का टूथेक है और मॉर्निंग के समय में कंडीशन दांत में दर्द हो रहा है, मॉर्निंग के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नाइट के समय में दर्द का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वार्म में रूम में रह रहा हो, गर्म रूम है, उसके बाद अगर एग्रावेशन देखने को मिल रहा हो, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और दांत दर्द के साथ अगर गम्स जो होते हैं, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में भी दर्द हो रहा हो, उस समय भी हम पल्सेटिला को दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम स्टमक की बात करते हैं, तो इसमें ना एवर्जन देखने को मिलेगा हमें फैटी फूड से, वार्म फूड से, ड्रिंक से, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन देखने को मिलेगा। और जो भी पर्सन कुछ भी खाएगा ना, तो उसका टेस्ट जो है ना काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा,
और इस पर्सन में आफ्टर आइस फ्रूट्स पेस्ट्री के बाद ना बिटर टेस्ट देखने को मिलेगा, डिमनेस टेस्ट होगा, हर एक खाने का कुछ भी खाया उसमें टेस्ट जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। और उसके साथ क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस भी देखने को मिलेगा, बटर को डिसलाइक करता है इसका पर्सन, और हार्ट बर्न भी होगा, वो खाने का रिगर्जिटेशन होता है ना तो हम उसे हार्ट बर्न कहते हैं, डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा, अपच बना रहेगा, मतलब खाना डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइटनेस देखने को मिलेगी खाना खाने के बाद। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसको जो पर्सन है ना खाना खा लिया तो क्या हो गया, स्टमक पूरा भर गया, उसके बाद उस पर्सन को ना मतलब टाइट क्लॉथिंग बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, उसको लगेगा कि वो ढीले कपड़े पहन ले। लैक्सिस में भी हमें देखने को मिलता है, बोविस्टा में भी देखने को मिलता है ढीले कपड़े का, बट यहाँ पे खाने से रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद। और लैक्सिस में क्या है कि ऐसे भी उसको अनबियरेबल होता है टाइट क्लॉथिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेन देखने को मिलेगा, जैसे पर्सन ने खाना खाया ना उसके 1 घंटे के बाद या कुछ घंटों के बाद हमें दर्द देखने को मिलेगा, और उसको ऐसा लगेगा कि उसके स्टमक में ना कुछ वेट रख दिया हो, स्पेशली मॉर्निंग के समय में जब पर्सन सो के उठता है तब उसको ऐसा देखने को, बहुत ज़्यादा जवाही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हंग्री फीलिंग भी होगा। और उसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, पल्सेशन देखने को मिलेगा, हमें पिट ऑफ स्टमक मतलब ये जो एपिगेस्टियम एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्सेशन देखने को मिलेगा, ऑल बोन सेंसेशन स्पेशली ट्री ड्रिंकर्स में देखने को मिलेगा, वाटर ब्रश होगा। और उसके साथ क्या होगा, फोर टेस्ट, बहुत गंदा टेस्ट मॉर्निंग के समय में देखने को मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी। अब हम डायरिया की बात करते हैं, तो इसका डायरिया का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ओनली और यूजुअली नाइट में ही हमें डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें स्टूल का कैरेक्टर भी मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि सेम नहीं होता, जैसे पर्सन ने 2 बार स्टूल पास किया है तो दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट होगा, जैसे अभी हार्ड हुआ है तो तुरंत जो दूसरे टाइम में स्टूल पास किया है वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब इसमें चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पल्सेटेला में, तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। अब हम इसके रेस्पायरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस देखने को मिलेगी, ड्राई कफ होगा बहुत ज़्यादा इवनिंग के समय में, नाइट के समय में हमें देखने को मिलेगा, और इसका पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा मजबूर हो जाएगा ना कि ऐसे करके बैठेगा, तो उससे हमें इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। और मॉर्निंग के समय में ना पर्सन को लूज कफ होगा, इवनिंग में ड्राई कफ है, मॉर्निंग में लूज कफ है, उसके साथ बहुत ज़्यादा कोपियस म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिल रहा है, कोपियस मतलब बहुत ज़्यादा थिक सा देखने को मिलेगा डिस्चार्ज माउथ से। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर होगा चेस्ट में, उसके साथ सोरनेस देखने को मिलेगा, और एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोरनेस देखने को मिलेगा, कफ के साथ हमें यूरिन भी पास आउट हो जाएगा, इनवॉलंट्री यूरिन देखने को मिलेगा, और ऐसा लगेगा ना जैसे अल्सर हो वैसा दर्द देखने को मिलेगा हमें मिडिल ऑफ चेस्ट में। और इसका कोई भी एक्सपेक्टोरेशन कैसा है, ब्लैंड है, थिक है, ग्रीनिश है, बिटर है, सोर ब्रीथ है, एक्सेप्ट ल्यूकोरिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, पैल्पिटेशन होगा जैसे पर्सन लेफ्ट साइड में सोता है तो। अब हम बात करते हैं इसके सेंसेशन कैसे देखने को मिलेंगे, तो स्पाजमोडिक टाइप का कफ देखने को मिलेगा, और हाँ एक बहुत करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि पैरोक्सिस्मस कैसा होगा, 2 कफ, आप देखे होंगे कुछ पर्सन होते हैं ऐसे करके चुप हो जाते, तो ये 2 पैरोक्सिमल कफ है। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है हमें, पल्सेटिला में एंड मर्क सॉल में, और यही 3 पैरोक्सिमल कफ की बात करें, मतलब अगर पर्सन है ऐसे खासा 3 पैरोक्सिमल हो गया तो ये हमें क्यूप्रम मेट में एंड स्टेनम में देखने को मिलेगा, और सिंगल पैरोक्सिमल की बात करें कैलकेरिया काफ में, इसको याद रखिएगा 2 पैरोक्सिमल है पल्सेटिला मर्क सॉल, 3 पैरोक्सिमल है क्यूप्रम मेट एंड स्टेनम, सिंगल पैरोक्सिमल है कैलकेरिया काफ। ठीक है, और एग्रावेशन होगा वार्म अप बेड से, नाइट इवनिंग में, हर स्लीप के बाद, और लाइंग डाउन से। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी कंप्लेन होंगे हमें प्यूबर्टी एज के साथ देखने को मिलेंगे, वुमेन की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जो भी कंप्लेन हो रहा है ना सप्रेशन ऑफ मेंसेस की वजह से देखने को मिलेंगे, ये डिसमिनोरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर किसी वुमेन का फीट वेट हो जाए, पैर गीले हो जाए, उसके बाद से अगर पेन देखने को मिल रहा हो मेंसेस में, और उसके साथ मेंसेस का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्कैंटी मेंसेस हो, और ब्लड का फ्लो जो हो ना ठीक हो, और चेंजेबिलिटी देखने को मिले, हमने स्टार्टिंग से बात की इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी हो, जैसे क्या हुआ चेंजेबिलिटी देखने को मिले, जैसे ब्लीडिंग हो रही थी फिर रुक गया, और उसके साथ फिर कुछ देर बाद तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और डबल फोर्स से ब्लीडिंग देखने को मिले, और ब्लीडिंग का कैरेक्टर भी कैसे हो, कभी क्लॉट्स क्लॉटिंग देखने को मिले ब्लीडिंग में, और कभी वाटर देखने को मिले, मतलब चेंजेबिलिटी देखने को मिल रही है, तब हम पल्सेटिला को दे सकते हैं। फ्लो जो होता है ना इसका ज़्यादा देखने को मिलता है दिन के समय में, और जब पर्सन वॉक कर रहा होता है तब इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्लो देखने को मिलेगा, और मेंसेस के साथ डिसमिनोरिया के साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग एंड
वोमिटिंग जैसा जो लगता है ना पर्चिंग हो रही है, तो वैसा भी देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी टंग में, उसके बाद यहाँ पे पानी की प्यास बिल्कुल भी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा एब्डोमन में, जो कि शिफ्टिंग नेचर का होगा, एक जगह से नहीं रुकता। और इसके पेन में एक खासियत है, जैसे जैसे पेन बढ़ेगा वैसे वैसे पर्सन को चिलनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस सिम्टम को भी याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा सिम्टम है। और इसकी वुमेन की बात की थी, ये सारे सिम्टम तब और ज़्यादा हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं अगर वुमेन ऐसे कंप्लेंट्स के साथ आई है, और आप उसका कॉम्प्लेक्शन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी लुकिंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, और उसके हेयर भी बहुत ज़्यादा फाइन है, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ल्यूकोरिया की बात करते हैं तो मिल्की वाइट देखने को मिलेगा, और इसके साथ वल्वा भी जो है वो फूला हुआ देखने को मिलेगा। लेबर पेन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर किसी को लेबर पेन हो रहा हो, पेन कैसा हो, इरेगुलर हो और डिफिकल्टी हो रही हो, और इसका पर्सन जो है ना चाह रहा हो कि दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई हों, और क्योंकि उसको वार्म रूम से सफोकेशन देखने को मिल रहा हो, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, बहुत अच्छी एक्ट करती है। एबॉर्शन के समय में भी अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन हो, 3 3 महीने के अंदर अगर एबॉर्शन देखने को मिल रहा हो, और इसमें जो एबॉर्शन के समय में जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जा रही हो, और जब दोबारा हो रही हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हो रही हो, डबल फोर्स से हो रही हो और फिर रुक जा रही हो, तब हम पल्सेटिला को दे सकते हैं। और अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी के साथ मोल प्रेजेंट है, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल प्रेजेंट है, उस समय भी हम पल्सेटिला को दे सकते हैं। ये मोल्स को एक्सपल्सन करने में बहुत अच्छा एक्ट करती है, ऐसा हमारे डॉक्टर हैरिंग कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम मोडालिटी की बात करते हैं, तो इसकी कंडीशन वॉर्स कब हो जाती है, हीट से, रिच फूड से, फैटी फूड ले लेने से, खाना खाने के बाद से, इवनिंग के समय में, वार्म रूम से, लेफ्ट साइड में सोने से, या तो अगर इधर दर्द हो रहा है और इधर से पर्सन सो जाए, मतलब पेनलेस साइड से सोने से भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसको बेटर कब होगा, ओपन एयर से, मोशन से, कोल्ड अप्लीकेशन, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, और थॉट नॉट थर्स्टी, मतलब उसे प्यास नहीं लगी है, ऐसा सोचने से भी इसमें हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।